हैप्पी बर्थडे अल्लाह पाक मुनीर भाई की जिंदगी में और भी ज्यादा खुशियाँ ले, उनकी जिंदगी लंबी करे। हम दो ही भाई हैं और हमें कभी किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी और हमारी दुआ है हमारे पाप इसी तरह कायम रहे और हमेशा इसी तरह हंसते खेलते। मैंने खुद बनाया कहते हैं अहमद हुई यानी दिया बनाया नहीं अहमद मैंने खुद अहमद करवाई है। मैं कहता हूँ मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता चैन क्यों नहीं पड़ता अल्लाह ताला आपको खुश रखे पाकिस्तान भाई जी सर नजीर साहब ने रेंदे ने भगवान वाले ने बुरे करे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जिस दिन पहले दिन आया फुरकान सर की बर्थडे सी लास्ट ईयर न्यू ईयर ते ओही गैदरिंग जिहड़ी असीं लाहौर च करदे आ मैं अक्सर माशाल्लाह वेखी दा हुंदा सी लेकिन इत्थे भाई मिलदे ने इक वारी जिहड़ा ना कह लो कि लाहौर वाली फीलिंग्स जिहड़ियां ना इक वारी दोबारा जागदियां ने। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे बड़ा घट बंदिआं नूं नसीब हुंदी है गैदरिंग की वजह भी सिंसैरिटी हैगी जी लोगों का प्यार मुहब्बत हैगी वजह तो सर थोड़ी मुहब्बत है जिंद वजह तो सारे बड़े गुम गुम ने सारे खुश रहो जनाब जी है सर इधर वो तो कॉलेज वाले बाहर में कर ये कौन है ये कौन है ये आपके वो वाला घर वाला वो कॉलेज वाला है तो अच्छा सॉरी सॉरी जी जी मिस्टेक। आज का दिन माशाल्लाह नवीन भाई के लिए बहुत अहमियत का दिन है बहुत अहमियत थोड़ा थोड़ा नॉर्मल अच्छी आसान लफ्ज़ों में बोलो मज़मून लिख रही चल आई आगे नेक्स्ट स्किल रही अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे आमीन देरो खुशियां ता कर जी तू एजी एजी कट दी कलर दी सेकंड दी फिल्म है नवीद भाई जिंदाबाद आपको अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता रखे खुश रहो मुस्कुराते रहो और ये आपकी दौलत हमें भी खुशी जी सर चलो अफलान नवीद भाई को मेरा यार सी बहू मैं ओदे कोल वापस आ गया कदी झाड़ के पैसा देगा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे और मुझे इतनी इंपोर्टेंस देते रहे इंतजार करो साड़ते भी रहे इंतजार जलाते भी रहे एक मिनट में पूरा टाइम दुआ है सबको अल्लाह पाक खुश रखे आपको अल्लाह पाक ऐसे खुश रखे। तो अभी अभी बैठे हुए आपको मैंने काफ़ी नोट किया देखा है तो मुझे ना आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं अभी अभी मुझे भाई नवीद भाई अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए जिंदगी में बरकतें दें अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता फरमाए आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए जी सर अवैस किमी ब्रो जी भाई नवीद हमारे बहुत प्यारे भाई हैं आप सबको पता है वो भी सुनाऊंगा तो अल्लाह करे यार ये दिन बार बार आता रहे और हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें इकट्ठे होते रहें मुलाकातें होती रहें और अल्लाह हमारी दोस्ती हमेशा कायम रखे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखें। तो आप सब दोस्तों से भी पहली मुलाकात थी महसूस नहीं हुआ कि पहली मुलाकात थी। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंड मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग अपॉन हिम एंड हिज फैमिली ही इज डेफिनेटली फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली एंड ऑन दिस स्पेशल डे ही इज मिसिंग हिज फैमिली अ लॉट बट आई वांट टू अश्योर वन थिंग दैट वी आर लाइक हिज ब्रदर्स एंड वी आर
with him in every thick and thin of life. And I wish him best of luck. मुझे आज ऐसे लग रहा है कि चार 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 चांद लग गए, 44 चांद आप लोगों ने लगाए यार मेरे दिल में, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बेहद मशहूर आप। ये भाई की बर्थडे के सिलसिले में हाजिर हुए यार, नहीं उठना था मैं, ना मैं पढ़ा चढ़ता कहता है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, चैन क्यों नहीं पड़ता, तो कितने फेल हो चुके हैं, नहीं नहीं तुम्हारा चैन ले गया है क्या अजीर जी, लेकिन मुझे आपकी कुछ हरकतों पे बातों पे इख्तलाफात है, वो मैं आपको सबके सामने बताना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपकी इन हरकतों की वजह से सर डिप्रेशन का शिकार है, क्या पिक एंड ड्रॉप वो देते हैं सबको, समझ रहे हैं सबको जो आपके पीछे हैं। हाँ जी यार ये, लेकिन आप क्या करते हो यार, यार पता है क्या उसको बताएं, मैंने पिछले दिनों में ये एक बंदे से डिस्कस की है बात, कि भाई जिस बंदे से आपको मोहब्बत हो जाए ना, चाहत हो जाए, बस उससे इजहार नहीं करना आपने कि मुझे आपसे चाहत है या मोहब्बत है या प्यार है, उससे क्या होता है फिर आपके लिए वो बंदा जो है ना अनमोल होना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है यानी कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने इजहार कर दिया हुआ, हमने कर दिया हुआ, मसला ये है सारा, और वही तो मैं इनके लिए पेश कर रहा था कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहाँ में क्या बोलते क्यों नहीं हो मेरे हक में, मुंह में छाले पड़ गए हैं क्या, जुबान पे कहना था आप। अभी अभी मुझे एक शेर याद आया, मैंने कहा चलो सुना दो, सिर्फ आपकी मैंने खुद बनाया, कहता है अहमद हुई यानी दिया बनाया नहीं, अहमद मैंने खुद अहमद करवाई है, मैं कहता हूँ कि दराज पलके वसाला पहुंच गया, दराज पलके वसाला मुसव्वर का कमाल, शराब रब ने हराम कर दी क्यों रखी ये हलाल, हक नहीं रखना है शराब रब ने हराम कर दी मगर क्यों रखी ये हलाल, हजारों इनसे कत्ल होंगे खुदा के बंदे संभाल, यार मुझे लगता है ये घोड़ा नहीं आपको बोलने दे रहा, नहीं नहीं ये मैं देखे लास्ट मीटअप पे ना आप उसका कॉन्फिडेंस जज कर रहे थे, नहीं नहीं मैं वो अभी आप अपना आपके शक्ल टाट जब आप बोलने के लिए कुछ ना हो तो छट्टे हो जाते हैं, चलो शुरू करो यार, शुरू करो, शुरू यही कह रहा हूँ आपका हैप्पी बर्थडे सबने कह दिया है, आप भी कह दे बेस्ट ऑफ लक, अब सुनो यार, इधर सुनो यार, बोलो मेरा बोलो, चुप चुप सुनो, उम्मीद इधर देखो भाई, इधर यदि ना करो मैं तो बात ही कोई नहीं की, तो आने वाला साल मैं कहता हूँ कि इसके लिए पॉजिटिव रहे बहुत ज्यादा, आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं अगर आप उर्दू में उनको सबको समझ नहीं आई, नहीं आ रहा अभी थोड़ा केस बीच में गेम कर गया, नहीं क्या क्या कहना चाह रहे क्या बोला था भाई, यहाँ मेजोरिटी को समझ नहीं आई आपने क्या कहा, इसको समझ आई बस, मैं कह रहा हूँ जी इसको नवीद को सालगिरह मुबारक, शावर मतलब वो रहमत,
उसके ऊपर बरसात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे मौके, ये मौके ऐसे होते हैं कि इंसान फैमिली को बहुत मिस करता है। आप फैमिली से दूर हो तो हम दिल के करीब हैं। साथ रहेंगे ठीक ठाक था। लेकिन आप प्लीज कहें, देखिए आप लोगों की बातों को इग्नोर करें, वीडियो अलग है डेडिकेट किया, कुछ आपने कहना है मैं सुन रहा हूं। यार ग्रुप में भेज देना यार, सही शुरू करो, बोलो शुरू क्या करूं मैं। देखिए मैंने शुरू में एक बात की थी कि फर्क ना रखें, मैंने जानबूझ के वहां से शुरू किया ताकि मेरे पास कोई बात ही ना बचे। चलो शायरी भी होगी नहीं, आप तेल लगवाए आप। सर फुरकान का पहले हफ्ता यार, ये हमारे बड़े हैं ग्रुप में, एक कट्ठी माजरत करनी चाहिए। सारे बोलो जी माजरत भाई, बहुत माजरत खा रहे हैं आपको। माजरत भी सामने ही होनी चाहिए। हम बात कह रहे हैं ना, मेरे पकाने में लाइनें खत्म हो गई, आप क्रिएट करें कोई लाइनें। चलो चलो फोकस फोकस, आप इतने क्रिएटिव हैं, आप कुछ लाइनें बनाएं। बताइए कोई एक सी लाइन हम सबसे जुदा हो जो पता लगे बाकी दिल में साथ में। सर टुकी थोड़ी सी ब्लैक पानी देना गटर वाला। किसी ने गटर वाला पानी देना थोड़ी बचा गया।